राम राम जी, सबको स्वागत है आपका मेरे चैनल नेचर्स लवर्स में। आज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको बैल दिखा रहे हैं जो बेचारा तड़प रहा था और जिसके कीड़े पड़ रहे हैं पैर में, और हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके इंजेक्शन लगाएंगे जिससे कि उसका जख्म सूख जाए और फिर कीड़े ना पड़े। देख लीजिए भाई, इस बेचारे बैल के बिन बोलते जानवर के इंजेक्शन लगा रहे हैं और ये खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ये घर से इसके पैर में पेट्रोल डाल रहे हैं और ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। गियर पेट्रोल गया नहीं, बस पिछले पैरों से बच के रही है। और ये खड़ा हो गया, देखिए। फिर इधर से हमने इसकी साइड चेंज कर दी और ये इधर को डाल दिया। ये देखिए, तीन तीन रस्सों में ये बैल बांध रखा था और बेचारे से इसे चल भी नहीं रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। और अब इसके पैर पे हम फिनाइल डाल रहे हैं जहाँ कीड़े पड़ रहे थे, जिससे कि कीड़े ना पड़े। ये फिनाइल है, बेचारा बैल कितना तड़प रहा था। देखिए, सीरीज के माध्यम से इसके पैर में अंदर तक फिनाइल डाल रहे हैं जिससे कि फिर कभी भी इसके पैर में कीड़े ना पड़े। इसका पूरी तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये फिनाइल डाल दी। फिनाइल से क्या होता है कि कीड़े तो पड़ते नहीं है, लेकिन जो मक्खी होती है ना, इसके जख्म पे मक्खी भी नहीं बैठेगी। छोड़ दो। चल भाई, अब इसके इंजेक्शन भी लगा दिया है और पेट्रोल और फिनाइल भी डाल दिया है जिससे कि कीड़े भी ना पड़े और मक्खी भी ना बैठे। तो अब इसके रस्से खोल रहे हैं ताकि हम इसे आजाद कर सके। देखिए, इसके रस्से भी खोल दिए हैं। रस्से खोलने के बाद भी बेचारे को इतना अच्छा लगा फिनाइल डाल के इसके, क्योंकि जो कीड़े हैं वे मर गए हैं। हमने सफाई भी करी है इसके कीड़ों की, इसके जख्म की, और इसे इतना अच्छा लग रहा है कि अब इसको उठने का मन नहीं कर रहा है। और देखिए, अब ये उठेगा और फिर हम इसके रस्से खोल के इसे कर देंगे आज़ाद। देखिए, इसके रस्से खोले जा रहे हैं। और मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने जानवर को ऐसे ना छोड़े। अब देखिए, ये खड़ा हो गया। और कोई भी भाई और कोई भी किसान, अगर आपके खेत में जानवर बढ़ भी जाता है, गाय बैल, तो आप गौशाला में पहुँचा सकते हैं उन्हें पकड़ के, उनके जख्म ना करें। ये देखिए कितना प्यारा बैल है। और अब हम इसके पूरी तरह से रस्से खोल देंगे, क्योंकि इसके गले में भी बंध रहा है और पास जाते हुए भी डर लग रहा है, ताकि हम मार ना दे, लेकिन कभी ये हम पे ही अटैक कर दे। बैठ
अब इसके गले में से रस्सा खोलेंगे। बस यो गले यो वाली खोल दे, पिछले वाली आराम से साइड में से ना। अब क्या कुछ कह रहा है ऐसा, पहले ये वाली खोल दे आराम से, खोल खुली पहले बंद रही थी ना ये अगले गले में, बस छोड़ दे नीचे, छोड़ दे सर नीचे गिर दे गले में से, खोल दे बस। अब इसे आगे करेंगे और इसके गले में से रस्सा खोलेंगे। ये देखिए मारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा खुलता ही भागेगा क्या एकदम? जानवरों की हेल्प करें, उन्हें समझे और उनकी मदद करें। जानवर इंसानों के ही भरोसे रहते हैं और अगर हम इंसानी जानवरों की हेल्प नहीं करेंगे तो इनकी हेल्प कौन करेगा? और मैं फिर दोबारा से आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके खेत में किसान भाई हो, आपके खेत में कोई भी जानवर जैसे कि बैल गाय बढ़ जाता है तो आप गौशाला में छोड़ सकते हैं, उनके जख्म ना करें, उन्हें मारे ना। ये भी प्रकृति का हिस्सा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देखिए इसके गले में से भी रस्सी खुल गई है, अब हम इसे जाने देंगे। चला जा छोड़। ये चला गया। थैंक यू।